हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, मैग्ना वेरिएंट है। दोस्तों आज इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे कि 2023 में जो है हुंडई ने अपनी i10 न्यूज में मैग्ना वेरिएंट में क्या क्या जो है फेसलिफ्ट में जो है वर्जन में क्या क्या जो चीजें ऑफर करके दी है। तो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं, गाड़ी की लुक देख सकते हैं, मैग्ना वेरिएंट है। इसके जो है शोरूम प्राइस है और जो सारे जो प्राइस स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो 2023 में दोस्तों इसमें गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो प्रॉपर फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट में आपको जो है चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में ग्रिल देख सकते हैं, इसमें चेंज मिल जाता है काफी बड़ा, तो काफी जो अट्रैक्टिव और बिग साइज की जो है ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है आपको गाड़ी में। और जो फ्रंट में दोस्तों ज्यादा चेंजेस किए हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऊपर देखेंगे तो बम्पर है ना, उसमें देख सकते हैं काफी चेंज किया गया है। टू पार्ट्स में जो है बम्पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट पे तो हुंडई का लोगो मिल जाता है सिल्वर फिनिश में, जो काफी बेहतरीन लग रहा है। और वहीं DRL की बात करें तो एरो क्रॉस जो टाइप में दोस्तों जो है DRL जो है प्लेस की है गाड़ी में, ये काफी बड़ा मेजर चेंज है जिसकी दोस्तों तो गाड़ी के फ्रंट से लुक को काफी बेहतरीन बना रहा है। ये आपके सामने व्हाइट कलर खड़ा है, DRL देख सकते हैं, यानी कि जो DRL जो है मैंने बता दी एरो क्रॉस में। और हेडलाइट की बात करो दोस्तों, हेलोजन बल्ब का सेटअप प्रॉपर गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं एक हेलोजन बल्ब जो कि वही दोस्तों लो बीम हाई बीम दोनों का काम करेगी। और इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर्स दोस्तों देख सकते हैं आपको हेलोजन बल्ब देखने के लिए मिल जाते हैं। की बात करो इसमें आपको दो तरह की मिल जाती है, एक फ्लिप की है प्रॉपर रिमोट की, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और होल्ड जो है जो बूट ओपन के लिए यानी कि जो टेल गेट है उसको ओपन करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि लॉक और अनलॉक। तो प्रॉपर देख सकते हैं कुछ ऐसा सिस्टम, तो की मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ पूरी गाड़ी की साइड प्रोफाइल और बात करते हैं इसके दोस्तों सारे सिस्टम के बारे में। तो साइड से प्रोफाइल चेक कर सकते हैं उसी तरह की, तो मैग्ना वेरिएंट है प्रॉपर। तो टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको इसमें मिल जाती है 165/70R14। हाँ जी, तो 14 इंच की आपको इसमें स्टील रिम देखने के लिए मिल जाती है, प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। और व्हील कैप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे जो है प्लेस देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको जो है ORVM पे देखने के लिए नहीं मिलता। बॉडी कलर में ही आपको ORVM मिल जाता है। इसका जो बेस वेरिएंट है बिल्कुल बेस है, उसकी वीडियो आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो हुंडई की दोस्तों और डोर हैंडल्स भी आपको जो है बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अनलॉक कर देता हूँ, बॉडी कलर में ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सारा सिस्टम। चलिए अब मैं रियर दिखाता हूँ कि मैग्ना वेरिएंट में रियर प्रोफाइल गाड़ी की कैसी आती है। तो रियर से प्रोफाइल देख सकते हैं काफ़ी जो अट्रैक्टिव लुक गाड़ी जो है अपने साथ लेके आती है। प्रॉपर जो है टेल लैंप्स देख सकते हैं पूरी जो अटैच्ड है, जिसमें कि देख सकते हैं पूरी बिग साइज की जो है टेलगेट पूरा कवर अप कर दिया, जिससे कि थोड़ी सी प्रीमियम फील गाड़ी में हो रहा है। और जिस तरीके के जो है हेड एरो क्रॉस में उसी तरीके उसी टाइप की जो है टेल लैंप्स में प्रॉपर सेटअप किया गया है, जो कि हल्की हल्की फॉगी टाइप के जो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लुक दे रही है, यानी कि प्रीमियम सेट वाली गाड़ी वाली फील दे रही है। और वहीं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो हेलोजन बल्ब का सेटअप मिल जाता है, दो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और दो ही आपको पार्किंग सेंसर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। और न्यूज़ की बैजिंग मिल जाती है, न्यूज़ देख सकते हैं प्रॉपर हुंडई की बैजिंग और ग्रैंड i10 की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए जाती है। सेकंड बेस वेरिएंट तो इसमें आपको कुछ भी देखने के लिए मिलता है, यानी ना ही आपको रियर वाइपर ना ही आपको डिफॉगर, हाँ जी आपको एक नॉर्मल एंटीना जरूर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, एक स्टॉप लैंप मिल जाती है। तो ये तरह बाहर का सिस्टम आपको लेकर चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर यहाँ से प्रॉपर चेकआउट करो तो यहाँ से देख सकते हैं डुअल टोन में आपको इंटीरियर का देखने के लिए जाता है गाड़ी में, जिसमें देख सकते हैं थोड़ी सी क्रीमिश और मैट ब्लैक है, तो ये काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है। और जैसे यहाँ पे देखोगे तो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे जो है कंट्रोल दिए गए, इलेक्ट्रिकली आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्डेबल तो नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जरूर मिल जाता है आपको देखने के लिए। चार पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लोकल जो है मैट में मिल जाते हैं। तो चलिए अब आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, यहाँ से प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं। डुअल टोन में इंटीरियर है, मैंने पहले बताया था, फैब्रिक कैपेसिटी में सीट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। अंदर थाई सपोर्ट गाड़ी में काफी अच्छा है और बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं जो हेडरेस्ट है चारों जो है दोस्तों फिक्स है, इन्हें एडजस्ट नहीं कर सकते आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो चलिए थोड़ा सा अंदर चलता हूँ गाड़ी के और दिखाता हूँ कैसा है सिस्टम सीट्स को करते पीछे। तो सेफ्टी में मामले में दोस्तों चार आपको एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी में, चार एयरबैग कर दिए कंपनी ने इस बार फेसलिफ्ट में, तो ये देख सकते हैं। कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं, क्रूज इस वेरियंट में नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो क्रूज दोस्तों उस जो एस्टा वेरियंट है टॉप वेरियंट, उसमें आपको क्रूज भी देखने के लिए मिल जाते हैं, उसका भी जो है वो गाड़ी भी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी जल्द ही। और यहाँ देख सकते हैं जो है आपको वॉल्यूम ब्रोकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं प्रॉपर की। चलो दोस्तों मीटर कंसोल ऑन करके दिखाते हैं, की लगाते हैं गाड़ी के अंदर और मीटर कंसोल ऑन करते हैं। तो मीटर कंसोल इस टाइम दोस्तों ऑन हो चुका है, बीच में देख सकते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है, और लेफ्ट में टैकोमीटर, राइट में स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में 220 तक की टॉप स्पीड दी गई है। और बीच में देख सकते हैं दोनों मीटर्स के जो है छोटे छोटे मीटर है, यानी कि छोटी छोटी सुइयां दी गई हैं, राइट वाली तो फ्यूल जो है इंडिकेट करेगी और लेफ्ट वाली बैटरी जो है इंडिकेट करेगी किस तरह की जो है प्रोसेसिंग सिस्टम रह रहा है। और इसमें आपको सारे सिस्टम मिल जाते हैं, बैटरी इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सारे कुछ सिस्टम है जो इस मीटर कंसोल में देखने के लिए मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग देख सकते हैं, पावर स्टेयरिंग मिलता है टिल्ट वे में, ऐसे आप एडजस्ट कराओगे नहीं, हाँ जी एक बार करता हूँ टिल्ट,
यानी हाँ जी दोस्तों टिल्ट वे में ही इसे आप एडजस्ट कर सकते हो स्टेयरिंग को। और यहाँ पे देख सकते हो सारा सिस्टम नॉर्मली आपको जो है म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए। हजार लाइट का बटन यहाँ पे, इसे बंद करते हैं पहले, लाइट्स जो है बंद कर देते हैं गाड़ी की, तो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, इसे ऑन कर देते हैं। और यहाँ देखोगे तो दोस्तों नॉर्मली आपको एसी मिल जाता है, एसी वेंट देख सकते हो उस टाइप के। नॉर्मली आपको जो है म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि दोस्तों खाली आपकी ब्लूटूथ और वाईफाई ऑक्स यही चीज़ दोस्तों सपोर्ट करेगा, और तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट करेगा नहीं, वाईफाई भी नहीं करेगा, वो मैंने गलती से बोल दिया। और यहाँ देखो तो नीचे आपको जो है टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी पोर्ट जरूर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है गाड़ी में इस टाइम। और मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ये आपको 5-स्पीड ऑटोमेटिक में मिल जाएगी और मैनुअल मिल जाएगी। और मैं आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आगे बताऊंगा, तो अभी इस टाइप का जो है सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो है सनवाइजर में कुछ नहीं मिलता, खाली टिकट होल्डर जरूर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ एक माइक है इसमें, हाँ जी इसमें आपको वेंटी मिरर मिल जाता है, बंद करते हैं इसे। ऑटो ड्रिविंग के लिए IRVM मिल जाता है, ग्रेवेंडर कुछ टाइप के मिल जाते हैं, ऊपर लाइट मिल जाती है, ऐसा कुछ सिस्टम है। यहाँ देख सकते हैं सारा सिस्टम। तो ये तरह ही फ्रंट की बात, चलिए मैं आपको बैक में लेके चलता हूँ, बैक में गाड़ी क्या क्या जो चीज़ें हैं अपने साथ पैक करके लेके आती है। बैक में यहाँ देखोगे तो दोस्तों पहले सीट्स में जो एयर बैग है ना उसे चेकआउट कर लीजिए। एयर बैग, चार एयर बैग गाड़ी में आते हैं, चार एयर बैग दोस्तों ओरा और इसमें लॉन्च करके दिए इस बार हुंडई ने अपनी सेफ्टी के मामले में। प्रॉपर डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है देख सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात रहने वाली है। डुअल टोन में इंटीरियर सीट्स दोस्तों देख सकते हैं, रियर सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल और अंदर थाई सपोर्ट देख सकते हैं, काफ़ी आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें। प्रॉपर देख सकते हैं, नीरूम हेडरूम चेकआउट कर सकते हैं, सीट्स पूरी तरह पीछे है तो नीरूम देख सकते हैं, मेरी देख सकते हैं, पूरा कंफर्टेबली बैठा हूं मैं देख सकते हैं। प्रॉपर कुछ ऐसा सिस्टम, और रियर में आपको देख सकते हैं एसी वेंट मिल जाते हैं, हाँ जी पीछे, और 12 वोल्ट की चार्जिंग भी सॉकेट जरूर देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी जरूर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तरह सिस्टम प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसे कर देते हैं बंद। अब मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ, इसका बूट कितना है करते हैं ओपन। तो यहाँ से आप प्रॉपर बूट चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, कम से कम 300-350 लीटर कम से कम बूट स्पेस मिल जाता है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। तो करते हैं इसे पीछे, तो ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ देख सकते हैं बूट में आपको लाइट वाइट तो वगैरह तो नहीं देखने की मिलती, किट में जाती है। स्पेयर व्हील की बात करूं तो हाँ वही दोस्तों आपको स्पेयर व्हील जाता है 14 इंच की जिसकी प्रोफाइल है। इसे करते बंद, तो अब आपको लेकर चलता हूँ मैं इंजन की तरफ, इंजन में क्या क्या जो है सेटअप लेके आती है गाड़ी अपने साथ। तो इंजन खोलते हैं, इंजन खोलने के लिए यहाँ से जो लेड है इसे ओपन करते हैं। हाँ बोनट आपका खुल चुका है, दिखाता हूँ इंजन किस टाइप का है। तो इंजन की बात करो तो ये है दोस्तों 1.2 लीटर इनलाइन फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करो 83 BHP इसमें आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। और वहीं बात करूँ मैक्सिमम टॉर्क की तो 113 यानी कि 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ इसमें आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाती है। वहीं आप इसे CNG वेरियंट में लेते हो तो CNG में दोस्तों थोड़ी सी पावर है ना वो डाउनग्रेड में चली जाती है, CNG में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 69 BHP और मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है 95 न्यूटन मीटर्स। तो ये तरह सिस्टम, तो चलिए इसे बंद करते हैं। फोर सिलेंडर इंजन है, प्रॉपर देख सकते हैं ABS CVT की यूनिट यहाँ पर प्लेस की है और एक साइड की बैटरी है, तो ऐसा सिस्टम है। चलिए इसे कर देते हैं। ये थी दोस्तों मैगना i10 न्योज का सेकंड बेस्ट वेरिएंट। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।